लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नारद, तुम यहाँ मेरे आश्रम में मेरे निश्चय में बाधा डालकर क्या तुम भी चित्रांगद के समान मेरे क्रोध के पात्र बनने के इच्छुक हो? जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यदि आप मुझे अपने क्रोध का पात्र बनाएंगे तो श्री गणेश की कृपा से क्रोध पलट कर आप पर ही वार करेगा। मुझे उत्तेजित करने की भूल ना करो नारद। मैं आपको उत्तेजित नहीं कर रहा हूँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं आपको उचित परामर्श दे रहा हूँ। तुम्हारे परामर्श की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, चले जाओ यहाँ से। हाँ, मैं चले जाने के लिए ही तो यहाँ आया हूँ, परंतु आप ये तो जानते ही हैं कि नारद यदि कोई निश्चय कर ले तो उसे पूर्ण करके ही रहता है। आप मुझे उत्तेजित करके और क्रोध करके शांत नहीं कर सकते। अब आप मेरी बात माने, जो मैं प्रेम से कह रहा हूँ उसे सुने। श्री गणेश की कृपा से चित्रांगद राजऋषि विश्वामित्र की शरण में पहुंच चुके हैं और अब राजऋषि विश्वामित्र के माध्यम से श्री गणेश स्वयं चित्रांगद की रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए चित्रांगद को लौटाने का असफल प्रयास करके स्वयं का अपमान न करें। क्या तुम मुझे चुनौती देने आए हो नारद? नारायण, मैं अपनी सिद्ध शक्तियों से राजऋषि विश्वामित्र को भी बंधक बना डालूंगा। नारायण नारायण, दैत्य गुरु शुक्राचार्य सत्य को पहचाने। राजऋषि विश्वामित्र के पीछे जगत को वरदान देने वाले श्री गणेश का वरद हस्त है, कहीं ऐसा न हो आप अपनी सिद्ध शक्तियों से हाथ धो बैठे। मेरी बात माने, ये क्रोध करना छोड़ दे और भगवान भोलेनाथ के साथ साथ श्री गणेश की आराधना करें। नहीं, कदापि नहीं, श्री महागणेश और उनके सभी अवतार दैत्य जाति के घोर शत्रु हैं। नारायण नारायण, तो फिर सृष्टि के पालक श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लीजिए। वो छलिया नारायण तो सृष्टि के पहले दिन से ही दैत्य जाति के साथ छल करता आया है। उसकी आराधना असंभव। नारायण नारायण, तो फिर यज्ञाग्नि की भांति अपने ही क्रोध की ज्वालाओं में जलने के सिवा आपके सम्मुख दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान भोलेनाथ, विघ्नहर्ता श्री गणेश और श्री हरि नारायण आपको सद्बुद्धि दें। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। नारायण नारायण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा, इदं गायत्री, इदं नमामः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा, इदं गायत्री, इदं नमामः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। श्री सिद्धि विनायक गणेश जी, आप ही की कृपा से महाराज यहाँ तक सकुशल पहुँच गए और आप ही की कृपा से महारानी इंदुमती का गणेश चतुर्थी व्रत सफल हुआ। जय माँ गायत्री। आप कुछ कहना चाहती हैं कांता माई? प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, ऋषियों के आशीर्वाद से और श्री गणेश कृपा से महारानी का श्री गणेश चतुर्थी व्रत संकल्प पूरा हुआ। अब परंपरा के अनुसार इन्हें श्री गणेश का विशेष पूजन करना चाहिए। अवश्य। श्री महागणेश के अवतार मंगल मूर्ति श्री गणेश आग्र पूज्य तथा समस्त संसार के आराध्य हैं। देवर्षि नारद ने सत्य कहा था देवी, महाराज चित्रांगद उन्हीं की कृपा से इस आश्रम में सुरक्षित पहुंच गए हैं और हम सब भी उनकी प्रत्यक्ष कृपा दृष्टि का अनुभव कर रहे हैं। जिस प्रकार दैत्य गुरु शुक्राचार्य
चित्रांगद को अपनी सिद्धियों का प्रयोग करके दैत्य शक्ति प्रदान करना चाहते थे, उसी प्रकार हम भी श्री गणेश की कृपा से अपनी सिद्ध शक्तियों का प्रयोग चित्रांगद को सबल बनाने के लिए करेंगे, जिससे वो अपना खोया हुआ राज्य शत्रु से पुनः प्राप्त कर सके। आप धन्य है ऋषिवर, आपकी कृपा और आपके शरण पाकर हमारा जीवन धन्य हो गया। आपकी जय हो। देवी इंद्रमती, आप अपने पति और कांता माई के साथ नदी तट पर जाकर श्री गणेश की विशेष पूजा और चतुर्थी व्रत का उद्यापन करें। चित्रांगद, श्री गणेश पूजा के बाद तुम यहीं लौट आओ और तब तक यहीं रहो जब तक हमारा प्रयोग सफल ना हो जाए। जो आज्ञा ऋषिवर। ओम शिवाय नमः स्वाहा। दैत्य शक्ति प्रकट हो। ओम शंभुवाय नमः स्वाहा। दैत्य शक्ति सक्रिय हो। दैत्य शक्ति प्रकट हो। एक और दुष्ट चित्रांगद मुझे अपमानित करके है, तो दूसरी ओर पातालवासी दैत्य और दानव अपनी निद्रा का त्याग नहीं करना चाहते। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। चित्रांगद कहीं भी चला जाए पर मेरी मंत्र शक्ति से बच नहीं पाएगा। उसे मेरे अपमान का दंड चुकाना ही होगा। ओम नमः शिवाय। दिव्य दृष्टि प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु भृगुपुत्र शुक्राचार्य की सिद्ध मंत्र शक्तियां जल में प्रकट होकर दुष्ट चित्रांगद को खींचकर पाताल लोक ले जाएं। पातालवासी दैत्य उसे दंडित करें और उसे समाप्त करके उसका मृत शरीर पृथ्वी लोक खींच के ले आए। सिद्ध मंत्र शक्तियां सक्रिय हो। ओम नमः शिवाय।
हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। महेश्वर, आपने अपने भक्त की लाज रख ली, अब मुझसे छल करने वाला चित्रांगद यमलोक का अतिथि बनेगा। ओम नमः शिवाय। नागराज वासुकी और नाग महारानी की जय। 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 नाग महाराज और नाग महारानी की जय जय हो। नागराज, आपके आदेश से हम चित्रांगद को सुरक्षित नागलोक ले आए हैं। क्या पातालवासी दैत्यों ने तुम्हें रोकने का प्रयास नहीं किया नाग कन्याओं? पातालवासी दैत्य प्रकट होकर हमारा विरोध करते, उससे पहले ही हम इन्हें यहाँ ले आए। नागराज, जिस पर श्री गणेश की कृपा हो उसका भला क्या कोई बिगाड़ सकता है। नागराज, आप अपने अमृत मंत्र से चित्रांगद को सचेत कीजिए और इन्हें बताइए कि इन्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम गणेशाय नमः। अमृत मंत्र प्रभावी हो। एक दंतम चूर्पकर्णम गजवक्त्रम चतुर्भुजम पाशाकुशधरम देवम ध्यायेत सिद्धि विनायकम्। भयानक नागों से मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें श्री गणेश, मेरी रक्षा करें। भयभीत ना हो महाराज चित्रांगद, सिद्धि विनायक श्री गणेश का स्मरण करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि आप सुरक्षित नागलोक पहुंच चुके हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम सिद्धि विनायकाय नमः। आप नागलोक के अतिथि हैं महाराज चित्रांगद। मंगल मूर्ति श्री गणेश का आदेश हमें मिल चुका है। हम जानते हैं आप शत्रुओं द्वारा अपना राज्य और सम्मान खोकर बंदी बन गए थे, और शत्रुओं के बंदी गृह से भागकर आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य के माया जाल में जा फंसे। परंतु अब आप अपनी सारी चिंताएं श्री गणेश के चरणों में छोड़कर प्रसन्न हो। सिद्धि विनायक, श्री गणेश की कृपा से आपको आपका राज्य पुनः प्राप्त होगा। हम और हमारी नाग शक्ति आपकी हर संभव सहायता करेगी। सिद्धि विनायक श्री गणेश की जय। सिद्धि विनायक श्री गणेश की जय। नाग कन्याओं, महाराज चित्रांगद को नागलोक के अतिथि गृह में ले जाओ और इनका स्वागत सत्कार करो। जो आज्ञा महाराज। पधारे महाराज चित्रांगद। ऋषिवर, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया ऋषिवर। क्या हुआ कांता माई? महाराज चित्रांगद कहाँ है? नदी में तूफानी धाराएं उठी ऋषिवर, और महाराज चित्रांगद को जल में खींच ले गई। ऋषिवर, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए ऋषिवर। पता नहीं वो किस दशा में होंगे। गणेश व्रत का ये परिणाम, श्रद्धा और समर्पण से श्री गणेश व्रत करने पर भी गणेश जी मुझसे क्यों रुष्ट हैं?
श्री गणेश व्रत का परिणाम शुभ ही होता है देवी इंद्रमती, मुझे पूर्ण विश्वास है। विघ्नहर्ता श्री गणेश की कृपा से तुम्हारे पति अवश्य सुरक्षित होंगे। हम अपनी दिव्य दृष्टि से देखेंगे कि महाराज चित्रागत किस दशा में है।